लंबी सांस लो। झलक के मंच पर मोनी है तैयार अपने जलवे बिखेरने के लिए। तो आइए मोनी से ही जानते हैं क्या तैयारी कर रही है। मोनी बहुत बहुत स्वागत है लाइव में। क्या खास तैयारी कर रही है आप झलक के लिए? जी खूब सारे रिहर्सल्स कर रही हूँ, एक तो इनकी बातें मान रही हूँ और बस अब तक तो इतना ही है। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मोनी? इज इजी टू टीच और हार्ड टू टीच? अगर मेहनत नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। मेहनत हर एक इंसान को यहाँ पे हो रही है, तो पसीने की मेहनत रंग लाती है ना, तो वही है। एंड शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। गलतियाँ होती है, हर एक से होती है, पर उसमें एक्चुअली अप्लाई करना जो भी करेक्शन है, दैट शी डज, सो दैट्स व्हाट आई वांट। मुनी आप कुछ जो खास तैयारियां कर रहे हैं, कोई डांस फॉर्म सीख रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं इसके लिए? वेल झलक एक ऐसा मंच है जिसपे अगर आप डिसाइड करते हो, आप आने के लिए डिसाइड करते हो, देन यू हैव टू बी रेडी टू लर्न एवरीथिंग दैट इज गिवन टू यू। सो राइट नाउ आई एम फाइंडिंग थिंग्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, एंड आई थिंक ये डिफिकल्टी बढ़ती ही जाएगी, बट आई जस्ट हैव टू मेक अप माई माइंड एंड बी लाइक आई हैव मेड अप माई माइंड फॉर द चैलेंजेस। सो या व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने झलक साइन किया, तो क्या रिएक्शन था आपका? वेल झलक साइन करने से पहले ही मेरा जब मुझे फ़ोन कॉल आया कि आपको वी वांट यू फॉर झलक दिखला जा, मैं इन जे ओनली दे हैड मी, आई सेड यस आई रियली वांट टू डू द शो। लंबी सांस लो। Yes, most important thing for me is who is my choreographer. तो जब meet and greet हो रहा था, तो मेरे दिमाग में it was like a test results are coming out, my final test results are coming out. So I saw him and then I went, you who? And I jumped and I was really happy. And then he calmed me down saying, calm down, this is only the beginning. And पहले आपने कभी डांस परफॉर्म किया है, मतलब जैसे अभी यहाँ पे कर रहे थे, कोई स्टेज शो जैसा कुछ किया है? स्टेज शोज किए, अवार्ड फंक्शंस वगैरह किए हैं, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। आई मीन स्टेज शोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम झलक। आई मीन वहाँ पे एक दो गलतियाँ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे जहाँ पे शूट करते हैं वो लोग एक्ट, वहाँ पे तो आप तीन चार टेक में भी कर सकते हो। दिस इज नॉट लाइक दैट। प्लस दोज आर आई डोंट टू से ईजी स्टफ, बट दे आर नॉट एज द डिफिकल्टी लेवल इज नॉट सो हाई। सो अब जाने से पहले सारे दर्शकों और सारे आपके कॉम्पिटिटर्स को क्या कहना चाहेंगे कि अब मोनी आ गई है, बच के रहना है क्या? मैं अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए, क्योंकि हम भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करेंगे और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। एंड फॉर माई फैंस, आई रियली रियली लव यू, एंड टू बोथ आर फैंस, प्लीज़ वी रियली नीड यू गाइज दिस टाइम अराउंड, एंड प्लीज़ लव एंड सपोर्ट अस एंड वोट फॉर अस। थैंक यू सो मच। जाने से पहले आपका एक डांस स्टेप तो बनता ही है, प्लीज़। चलक दिखला जा।